दोस्तों, एक भगदड़ के कारण एक भाजपा के कार्यकर्ता को पैर में लगा सो पैर टूट गई है और बहुत ही बुरा प्रभाव हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सकल ब्लॉग में। आइए दोस्तों, मैं आपको बोकारो चास बोकारो लेकर के आता हूँ, जहाँ कॉन्टिंग के द्रव्यार जैविक कृषि सरपंच के बीच में पत्थरबाजी हुई है, भगदड़ हुई, जिसमें बहुत ही सारे हताहश होने का खबरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, दुकान पूरी तरह से उजड़ गई है और पुलिस प्रशासन काफ़ी इस मोर्चा को संभालने में काफ़ी देर लगा। लमसम 2 घंटा तक आंसू गैस और आंसू बम और बहुत सारे तरह के पत्थरबाजी हम लोगों को देखे। भाजपा के सदस्य हैं सर आप? मतलब किसने मारा है? तो किसने मारा है? ये भगदड़ के कारण। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देख रहे हैं दोस्त, जेबी केसेस के तमाम कार्यकर्ता लोग आक्रोशित में हैं, चूंकि इस तरह से काफी विचलित हो चुकी है प्रशासन विथ जरा मतलब टीम। अभी कुछ भी हो सकता है, चूंकि प्रशासन उन्हें रेस्पेक्ट कर रहा है और धीरे धीरे कार्यकर्ता लोग आक्रोश होते जा रहे हैं। और काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी प्रशासन को, तो तमाम कार्यकर्ताओं को खोज करके निकाला जा रहा है और पीटा जा रहा है। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, इतना बड़ा बड़ा बोल्डर सब जरा मातों के सदस्य लोग फेंका गया उन लोगों के द्वारा। इस मोड़ में अभी जेबी केसेस के यहाँ वीडियो जो है, हजारों कार्यकर्ता लोग यहाँ पर जरा मातों के नारा लगा रहे थे और वोट में किसी तरह से गड़बड़ होने की सूचना पाते ही या क्लेम लगाते ही उन लोगों ने इससे प्रशासन यहाँ सभी को एक एक करके भगदड़ने का काम किया। 10 लोग फेंका गया उन लोगों के द्वारा और ये काफ़ी निंदनीय है, जो तमाम सभी प्रशासन लोग काफ़ी उनको मकसद से यहाँ खदेड़ा गया। जो देख रहे हैं आंसू गैस और आंसू गोला का, सभी लोग यहाँ से चल पड़े हैं। Thank you.
ये नौबत कर दिया ना। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए जयराम माधव सिंह के द्वारा ये बहुत सारे स्टोन से वार किया गया, जो कि आप देख रहे हैं तमाम यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ से, किसी पर पत्थर फेंका गया, किसी पर ईंटा फेंका गया, और इस तरह से बहुत निंदनीय है। हमारे यहाँ के प्रशासन उन्हें खदेड़ने का काम किए हैं, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग दोस्तों, एक भगदड़ के कारण एक भाजपा के कार्यकर्ता को पैर में लगा से उस पैर टूट गई है, और बहुत ही बुरा प्रभाव हुआ है, पूरी तरह से टूट गया है। और बहुत ही भदगड़ी, आप देख रहे हैं हर तरफ पत्थर, शीशा और ईंटा, हर तरफ अथी हो गया है। और इधर जवान सदस्यों ने काफ़ी मोर्चा को संभालने का कोशिश किए हैं और संभाले हैं, और देख रहे हैं बहुत ही और देख रहे दोस्तों, पुलिस और प्रशासन के बीच में काफी दौड़ धूप हो रही है। चलिए हटिए हटिए, और यहाँ तक कि बम और गोला और गोली की भी बारिश हुई। ये इतिहास है बोकारो की धरती में। बाद में चल जाएंगे, लेके चले, बोल दे रहते हैं किसी को। हाथ लहर रहा, और मार धार चालू हो गया। दोस्तों आप देख रहे, पुलिस प्रशासन भी जमकर लाठी बरसाया जा रहा है तमाम कार्यकर्ताओं पर। अरे बीजेपी के लोगों को भी मार रहा है। बीजेपी पार्टी को पूरा मार रहा।
काफ़ी कोशिश के बाद माहौल को शांत किया गया है जो आप देख रहे हैं। और इस तरह से आशू कार्यकर्ता का जीत होने के कगार में है और मौसम काफ़ी ख़राब होते रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता लोग आंसू की खुशी दिखने को अब मिल रहा है। जिंदाबाद।